A brave police officer was killed in Kunda. His wife now demands justice. Ziaul Haq, the deputy superintendent of police, was killed by unidentified gunmen. His wife says there was a conspiracy. Parveen Azad now joins me on from Kunda. Parveen, हम आपसे जानना चाहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप सीबीआई जांच चाहती थी, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्या आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं अभी तो संतुष्ट हूँ। उन्होंने मेरे बहुत सारे डिमांड को माना भी है, उस पर काम भी कर रहे हैं मैं, और यकीन रख रही हूँ कि वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे, मुझे उन पे पूरा यकीन है। आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्यों लगता है कि राजा भैया का इसमें कोई हाथ था? आपने एफआईआर में नामजद एफआईआर कराया है, तो अगर मैंने एफआईआर कराया है तो लगता है इसमें क्यों लगने की क्या बात है। अगर मैंने किसी का नाम दिया है तो उसमें मैं श्योर हूँ, तभी तो मैंने नाम दिया है, इसमें क्यों और कैसे का कोई सवाल नहीं आता है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई करेगी वो साफ आ जाएगा कि वो किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो सजा मिलेगी, नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। अब क्यों और कैसे का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पति ने कभी आपको बताया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं, या राजा भैया उन्हें सता रहे हैं, या राजा भैया के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं? वो कुंडा में जब से उनकी पोस्टिंग हुई थी वो प्रेशर में काम कर रहे थे, वो परेशान थे, हर काम में उनको परेशानी थी, हर काम में उनको प्रेशर था। प्रवीण जी, किस तरह का दबाव था आपके पति पर, जियाउल हक साहब के ऊपर, क्या उन्होंने आपसे इसकी कभी बात की थी? हर पति अपने पत्नी से बातचीत करता है जो डेली काम कर रहा होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बातचीत, स्पेशली वो जो हमसे मीटिंग कर रहे थे वो डेली की बातें बताते थे, जो बातें उनके साथ होती थी वो डेली की बातें जहां तक हो सकता है डिस्कस करते थे जी। उसमें मेन जो है कंक्लूजन यही है कि वो डेली के काम से परेशान थे, डेली प्रेशर में रहते थे, टेंशन में रहते थे, उनको डर लगा रहता था, मेरे लिए भी डर लगा रहता था कि मुझे कुछ ना हो जाए, उनको कुछ ना हो जाए। जी, क्या आपकी जानकारी में उन्होंने ये बात अपने आला अधिकारियों से कभी की थी, क्या वो यहां से तबादला चाहते थे? तबादला वो शुरू से चाहते थे, जब वो कुंडा में उनकी पोस्टिंग हुई थी तो वो कहते थे कि काश मेरे पास कोई सोर्स होता, कोई पैरवी होती, चाहे पैसे इतने होते तो मैं तबादला करा देता। कितनी बार तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चली जाओ अखिलेश भैया के जनता दरबार में, वहां जाके कहो, गुहार लगाओ कि मेरा तबादला कर दे, कम से कम वो अपना अंगरक्षक ही बना ले। कितनी बार मैंने कोशिश भी किया था लेकिन जा नहीं पाई थी। बताइए, इस तरह का तनाव, और जबकि एक पुलिस अधिकारी थे, डीएसपी थे कुंडा के, उनकी सुरक्षा, क्योंकि उनका कोई बैकिंग नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, कि वो कोई सोर्स नहीं था कि तबादला झट से करवा लेते। अगर उनके हाथ में कोई सोर्स होता तो बहुत पहले तबादला करा लिए होते। सही बात है, उनकी कोई सुरक्षा, उनको किसी तरह की सुरक्षा मिली हुई थी यहाँ कुंडा में? अरे सुरक्षा की क्या बात है, एक डीएसपी के पास एक गनर होता है, पुलिस डिपार्टमेंट खुद सबकी सुरक्षा करती है, तो आप उसकी सुरक्षा की क्या बात कर रहे हैं, वे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इतने वो पुलिस ही असुरक्षित है, उसका गनर भाग जाता है, उसका बॉडीगार्ड भाग जाता है, तो उस गनर पे, उस ड्राइवर पे, फिर ड्राइवर बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा से कोई भी पुलिसकर्मी जो आला अधिकारी के साथ कहीं जा रहा है, पुलिसकर्मी को भागना ही नहीं चाहिए ऑन द स्पॉट से। सही बात, अगर कहीं कोई वारदात हो रही है तो पुलिस जाती है उसको निपटाने के लिए, ना कि भागने के लिए। यही एक शर्मनाक बात है कि पुलिस अपनी करनी, अपने फर्ज को छोड़ के भाग रही है। दूसरी बात यह है कि वो अपने एज ए गनर अपॉइंट हुआ है, वो अपने मालिक को छोड़ के भाग रहा है, तो उसके गनर होने से क्या फायदा है। तो इसका मतलब गनर की पोस्ट हटा देनी चाहिए, ड्राइवर की पोस्ट हटा देनी चाहिए, डीएसपी एसपी ये सब खुद ड्राइव करके जाया करें घटनास्थल पे, खुद ही काम कर लिया करें सुपरमैन की तरह,
इतने सारे टिटेम्बे पालने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा होता है, गनर की पोस्टिंग होती है, ड्राइवर की पोस्टिंग होती है, निचले अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, जो एक अधिकारी को सपोर्ट करने के लिए जाता है वहां पे, तो उसको वहां होना चाहिए, वहां से भागना नहीं चाहिए। अगर भागता है तो वो पुलिस के लायक नहीं है, नहीं तो वो मिला हुआ है, वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अगर शामिल है तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो उसका जुर्म है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। डीजीपी आपसे आकर मिले थे, क्या डीजीपी ने कुछ आपको जवाब दिया? क्या आपको लगता है कि आपको पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस से न्याय मिल पाएगा या केवल सीबीआई इंक्वायरी? सीबीआई इंक्वायरी सबसे ऊंची है अभी इंडिया में। अगर इससे ऊंचा भी कोई इंक्वायरी होता तो मैं उसके लिए कहती, इसलिए मैंने सीबीआई का नाम लिया है। ठीक है, उसके बाद से नहीं होता मैं न्यायालय से मांग करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सिर्फ अपने पति के लिए नहीं कर रही हूँ, उस सब हर इंसान के लिए कर रही हूँ जो सरेआम मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है और खूनी खेल का एक हिस्सा बन रहा है। मैं उस सारे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा की बात कर रही हूँ जो असुरक्षित है। पुलिस ही हमारे यहाँ असुरक्षित है। एक सीओ लेवल के एक डीएसपी को सरेआम घसीट घसीट के मारा गया, उसको उसका इंसल्ट हुआ, पता नहीं क्या क्या किया गया उसके साथ जी। तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? और वो पुलिस जो पुलिस में आते हैं, ओथ लेते हैं कि वो सुरक्षा करेंगे जी। इसके साथ थे वो भागे भगोड़े जी। उनको तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, अदरवाइज ये सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देनी चाहिए, गनर का, ड्राइवर का, सबका। अगर ये ऐसे भागते रहेंगे, पहला केस नहीं है कि किसी ऑफिसर का गनर ड्राइवर भाग गया हो, पता नहीं कितने केसेस अभी भी दर्ज होंगी। और गनर और ड्राइवर और उसके साथ जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं और वो ऑफिसर वो वहीं पे मारा जाता है, चाहे घायल होता है। जब ये गनर और बॉडीगार्ड ऐसा काम करेंगे तो गनर और बॉडीगार्ड के नियुक्ति होने का क्या मतलब है? ये भगौड़ों को चोरी करना चाहिए, जाके वो गुंडा बन जाना चाहिए जब ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो। बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कामना करेंगे कि आपको न्याय जरूर मिले और जल्द मिले।